बेरोजगार बैठा है, धनिया चटपट बेच रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई नहीं पढ़ पा रहा है, इतना महंगाई है। कॉलेज खोले हैं बाहरी के, मेडिकल का कॉलेज है बाहरी के, लेकिन कर्नाटक बंगलोर कहाँ कहाँ के लेकिन लन के पढ़ रहा है भैया। यहाँ क्षेत्र का कोई नवा देगी कोई लड़का पढ़ रहा। ये जो वर्तमान विधायक हैं 10 साल में मतलब एकदम कुछ भी जीरो विकास कुछ हो भी नहीं किया है क्षेत्र में ना भैया। चंद्रवंशी जी बोलते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, अब आप कह रहे कुछ विकास। अरे भैया एक आगो विकास देखवा के देखिए ना, देखिए ना ये रोड सड़क है 3 साल हो गया बनते हुए। इसको ठेकेदार से हम लोग पूछते हैं कि भैया कब तैयार होगा, तो बोलते हैं कि भैया क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बन ही नहीं दे रहे हैं। तो हम कहा विकास देखे भैया, एक आगो विकास देखवाए ना, एकदम जीरो है विकास के मामले में, 10 साल में एकदम जीरो है भैया। मैं सुनील, आप देख रहे हैं झारखंड दृष्टि। अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव की चुनावी यात्रा में हम लोग विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी यात्रा पर निकले हुए हैं, और यहाँ पब्लिक का क्या मिजाज है और अबर बार क्या यहाँ परिवर्तन होगा नहीं होगा, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में अबर क्या माहौल है? विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बार बदलाव की लहर है और निश्चित रूप से बदलाव होगा। मतलब और झारखंड में किनको किनकी सरकार देखना चाहते हैं? झारखंड में तो सरकार हेमंत सरकार भी बहुत अच्छा काम की है और बढ़िया काम की है। सब बुजुर्ग लोग को भी पेंशन 50 वर्ष से चालू कर दी, मिला जुला के सरकार ठीक ठाक थी। विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी जी के कार्यकाल से कितना आप मतलब वो विकास किए? एकदम बिल्कुल खुश नहीं है, एकदम खुश नहीं है, एकदम जीरो है। उसको तो विधायक का चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, इस बार उसको छोड़ के भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो सत्ता के चक्कर में इतना गलत करने लगा, इतना करने लगा, अपना पूरा स्कूल कॉलेज, और उसके कॉलेज में कोई हमारे विश्रामपुर विधानसभा के एक भी बच्चा नहीं पढ़ता है, सब कोई कर्नाटका से है तो कोई बेंगलोर से है, आके पढ़ाई कर रहा है डेंटल का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग। वो तो बोलते हैं कि हम हर क्षेत्र में विकास किए हैं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र। कोई क्षेत्र नहीं, एकदम जीरो क्षेत्र। अगर उसका कोई विकास है तो करके बताइए। अभी मझियाव से रमुना भाया विश्वपुरा रोड बन रहा है, इसका कार्यकाल हमारे देखने से लगभग कितना दिन हो गया हो, 2 साल हो गया होगा, 2 साल हो गया। अभी तक देखिए कहीं से एक मतलब इसका जो क्वांटिटी था उस क्वांटिटी में रोड भी नहीं बना, जहाँ पुल पुलिया की जरूरत है वो भी नहीं हुआ। अब ठेकेदार बोलता है कि नहीं विधायक जी परेशान करके रखे हैं, विधायक जी बोलते हैं कि नहीं उसको पीसी नहीं दिया, का उन लोग का माजरा नहीं समझ में आया, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। रामचंद्र चंद्रवंशी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, और हम पूरे विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि इस बार बदलाव की लहर है, नौजवान को चुने और मतलब निश्चित रूप से परिवर्तन होगा विश्रामपुर विधानसभा में। चलिए हम आगे और लोगों से मिलते हैं। चाचा का नाम बालमगीर, अबर बार यहाँ मैंने क्या परिवर्तन देख रहे हैं, क्या है परिवर्तन? तो है कि नवयुवक दल को अब आना चाहिए यहाँ, और जो है ये विकास में बहुत गड़बड़ी चल रहा है, विकास जनता के हो नहीं रहा है, यही कारण है। झारखंड में किनका सरकार देखना चाहते हैं? हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन के। और विश्रामपुर में? विश्रामपुर में विकास दुबे। अच्छा, विकास दुबे जी को। और चंद्रवंशी जी के कार्यकाल से आप खुश हैं? एकदम नहीं खुश है, इसलिए कि कुछ काम ही नहीं दिखाए। वो तो बोलते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सारे जहां काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनका जो शिक्षा विभाग जो खोले हैं उसमें जो है से गरीब का लड़का चाहे लड़कियां कोई भी कैपेसिटी नहीं है कि उसमें जाके पढ़ सके। तो बोलते हैं कि इसी क्षेत्र के ना बच्चे उनके इंजीनियरिंग कॉलेज चाहे मेडिकल कॉलेज बाहर के आके पढ़ रहे हैं। अच्छा, बाहर के पढ़ रहे हैं। चलिए और लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा शेख मुजफ्फर नाम है। अबर बार विश्रामपुर का क्या स्थिति रहेगा? अभी भी बदलाव, नया विधायक चुना जाएगा। मतलब अबर बार चंद्रवंशी जी का क्या माहौल है? उसका माहौल कहीं नाम नहीं है, एकदम 0% है, उसका देखना ही कोई नहीं चाह रहा है।
उनके क्षेत्र कार्यकाल में तो विश्रामपुर का बहुत अच्छा विकास हुआ है। कोई विकास नहीं है कहीं, हम लोग के गांव में तक उनको कोई चैन नहीं नहीं रहा कि कहीं कैसा उनका चेहरा भी तक देखने। क्या वे आप लोगों के बीच में नहीं मिलने आते हैं? ना कभी नहीं, कभी नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। अच्छा झारखंड में सरकार इनका होना चाहिए, झारखंड में सरकार काम जो अच्छा मिले जुले आए उसका काम होना चाहिए, जितना रहना चाहिए। अभी हम लोग तो चुन रहे हैं अभी कि बढ़िया से बढ़िया अभी नौजवान अभी आए हैं विकास दुबे तो अच्छा, विश्रामपुर विश्रामपुर क्षेत्र में अभी वैसा वैसा विधायक आए हर समय में, बिना विधायक बने हुए बहुत कुछ कर देते हैं, ऐसे कौन से काम हो रहा है। कौन सा गाँव है? चंद्रपुरा गाँव है। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है, अबर बार क्या परिवर्तन होगा नहीं होगा। चलिए भैया अपना नाम बताइए। सुरोज। हाँ। किस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में अबर बार जनता का क्या मिजाज है? आपके बदलाव। यहाँ बदलाव जी। क्या चंद्रवंशी जी बहुत अच्छा काम किए इस क्षेत्र में, विकास किए? कुछ भी काम नहीं किए, खाली भाषण भी मारते हैं, कुछ भी काम नहीं किए, विकास का कुछ भी काम नहीं। चलिए और आगे जानने की कोशिश करते हैं और कुछ दुकानदार भाई लोग भी हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अबर बार विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या देख रहे हैं। ये इस बार बदलाव का लहर है, बदलाव होगा, निश्चित होगा बदलाव। युवाओं का क्या मुद्दा होगा इस बार? हम युवा लोग के साथ हैं। ये जो वर्तमान विधायक हैं 10 साल में मतलब एकदम कुछ भी जीरो विकास कुछ हो भी नहीं किया है क्षेत्र में। ना भैया, ना चंद्रवंशी जी बोलते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, अब आप कह रहे कुछ विकास। अरे भैया एक आगो विकास देखवा के देखिए ना, देखिए ना ये रोड सड़क है 3 साल हो गया बनते हुए, इसको ठेकेदार से हम लोग पूछते हैं कि भैया कब तैयार होगा, तो बोलते हैं कि भैया क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बनने ही नहीं दे रहे हैं, तो हम कहा विकास देखे भैया, एक आगो विकास देखवाए ना, एकदम जीरो है विकास के मामले में, 10 साल में एकदम जीरो है भैया। युवाओं का मुद्दा क्या होगा? युवाओं का मुद्दा है रोजगार, शिक्षा, यही मुद्दा है। मतलब चंद्रवंशी जी तो बोलते हैं कि हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, तो सभी क्षेत्र में तो काम कर ही रहे हैं। कुछ नहीं है भैया, शिक्षा के नाम पर लूट है लूट, जाइएगा कॉलेज में तो जहाँ इतना पैसे लगता है ना कि गरीब के लड़का पढ़ ही नहीं पाएगा। अरे हम लोग को भी पढ़ना नहीं पड़ा। हम यहाँ देखिए बेरोजगार बैठा है।